हेलो फोर्थ क्लास, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एज यू कैन सी, दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक। ओपन इट नाउ। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्टली यू डू रिवीजन एक्सरसाइज योर सेल्फ। Start our exercise 3.8, but before starting the exercise, let us see some important points. Addition of 5-digit number and 6-digit number. So, जैसे हमने 3-digit and 4-digit के sum किए थे बेटा, हमको plus किया था, ऐसे ही हमें 5 and 6-digit के numbers को करना है. So, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं addition without regrouping. So, first example आप देखेंगे, आपकी screen पर दिखाई दे रहा है. Find the sum of 32,543 and 23,215. सो फर्स्टली बेटा हमें इन्हें कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. मीन्स हमें वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड एंड सो ऑन. ओके, नाउ आप देखेंगे फर्स्टली हम फर्स्ट नंबर पुट करेंगे 32,544 अकॉर्डिंग टू वंस, टेंथ हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड के अकॉर्डिंग. एंड देन सेकंड नंबर पुट करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे वंस प्लेस पर, जैसे सेकंड नंबर में वंस प्लेस पर क्या है 5, और फर्स्ट नंबर में हमारे वंस प्लेस पर क्या है 3. सो हमें 3 के नीचे 5 पुट करना है. ओके, एंड टेंथ प्लेस पर हमारे सेकंड नंबर पे 1 है एंड फर्स्ट नंबर पे 4 है. सो 4 के नीचे हमें 1 पुट करना है. ऐसे ही हमें अपना नंबर अरेंज करना है. देन उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इनको प्लस करना है. सो प्लस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से. ओके, सेम यहाँ पर भी हम वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे अपना प्लस करना. सो 3 प्लस 5 इज 8. देन टेंथ प्लेस को प्लस करेंगे, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. ओके, नाउ 100 प्लेस को प्लस करेंगे, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7. एंड देन 1000 प्लेस को प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 इज 5 एंड 10,000 इज 3 प्लस 2 इज 5. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 55,758. ओके, नाउ सिमिलरली हम लाख प्लेस तक अगर हमारे डिजिट्स हैं तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे एंड इनको प्लस करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.8. ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको 2 नंबर गिवन है, इनको आपको प्लस करना है. सो आप क्या करेंगे, अपनी रफ कॉपी लेंगे एंड इनको प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में अरेंज करेंगे. वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, बोथ नंबर्स को, एंड देन प्लस करेंगे. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 37,789. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पर बेटा आपको 3 नंबर्स गिवन हैं. सो 3 नंबर्स गिवन हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्टली हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, देन सेकंड नंबर लिखने के लिए वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड एंड सो ऑन. सेम थर्ड नंबर लिखने के लिए हम वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखेंगे एंड टेंस के नीचे टेंस एंड सो ऑन. ओके, नो अरेंज करने के बाद हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे प्लस करना. ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 79,699. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टार्ट बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग. सो ए पार्ट आप देखेंगे बेटा, आपको यहाँ पर अरेंज करके दिए हुए हैं कॉलम, तो इसमें आपको सिर्फ प्लस करना है. सो वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ हेयर यू कैन सी द स्क्रीन. वंस प्लेस पर हमारे 6 एंड 0 है. सो 6 प्लस 0 हम करेंगे 6, 0 प्लस 8 हमारा टेंथ प्लेस पर है, प्लस करेंगे सो 8, 100 प्लेस पर 4, 5, सो 4 प्लस 5 इज 9, 1000 प्लेस पर 8 प्लस 0 सो 8, 10,000 प्लेस पर 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 इज 3. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 38986. ओके, नाउ सी ई पार्ट. ई पार्ट में आपको लैग तक दे रखे हैं, लैग डिजिट तक. ओके, सो सेम हमें फर्स्टली वन प्लेस से स्टार्ट करना है. सो 9 प्लस 0 इज 9, टेंथ प्लेस इज 5 प्लस 2 इज 7, 100 प्लेस 6 प्लस 3 इज 9, 1000 प्लेस 10 प्लस 1 इज 8, 10,000 प्लेस 4 प्लस 5 इज 9, लैग प्लेस 3 प्लस 6 इज 9. ओके, सो आवर आंसर इज 998979. ओके, नाउ यहाँ पर बेटा आपको इसी क्वेश्चन की आंसर की दी हुई है बी सी डी एंड एफ पार्ट की. यू हैव टू सॉल्व दीज पार्ट्स एंड चेक योर आंसर विद आंसर की. नाउ स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में बेटा
आपको करना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम। तो ए पार्ट आप देखेंगे अपनी बुक में, देखिए 23123 इज फर्स्ट नंबर, 11001 इज सेकंड नंबर एंड 21302 इज थर्ड नंबर। सो फर्स्टली वी अरेंज दी नंबर्स इन कॉलम्स, ओके। सो उसके लिए हम वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड एंड सो ऑन, ओके। सो फर्स्टली हमने अरेंज कर लिया इन्हें कॉलम के अकॉर्डिंग एंड देन हम स्टार्ट करेंगे प्लस करना। सो फर्स्टली हम वंस से स्टार्ट करेंगे, 3 + 1 + 2 इज 6, 2 + 0 + 0 इज 2, 1 + 0 + 3 इज 4, 3 + 1 + 1 इज 5, 2 + 1 + 2 इज 5, ओके। सो आवर आंसर इज 5 5 4 2 6। नाउ सी बी पार्ट, बी पार्ट को भी हमें सेम अरेंज करना होगा फर्स्टली कॉलम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हमने 1 से 10,000 तक प्लेस लिख लिए फर्स्ट नंबर के एंड देन सेकंड नंबर लिखा है। नाउ सी थर्ड नंबर 1032। सो यहाँ पर हमें 4-डिजिट नंबर है, सो इसको आपको ध्यान से लिखना है बेटा। फर्स्टली वंस प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे, टेंथ पर 3, 100 पे 0, 10,000 पे 1, सॉरी 1,000 पे 1। सो 10,000 हमें ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज हमें नंबर गिवन नहीं है 10,000, ओके। सो इसको अरेंज करने के बाद अब हम सम करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4 5 4 3 4, ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू सी द स्क्रीन, आंसर की सी डी ई एफ, ओके। आपको आंसर की दी गई है अदर पार्ट्स की, सो फर्स्टली यू डू इन योर नोटबुक एंड देन चेक योर आंसर विद आंसर की, ओके। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.B। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडिशन विद रीग्रुपिंग। सो यहाँ पर हमें एडिशन करना है रीग्रुपिंग के साथ, मीन्स यहाँ पर हमें कैरी करना होगा, ओके। सो कैरी कैसे करेंगे आप देखेंगे, एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है 46,259 एंड 37,252 को आपको प्लस करना है। सो फर्स्टली अरेंज करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कॉलम के अकॉर्डिंग, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000 के अकॉर्डिंग, ओके। नाउ इनको हमें कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद इन्हें प्लस करना है। सो फर्स्टली वंस प्लेस को हमें प्लस करना होगा, सो 9 + 2 इज 11। सो 11 में बेटा 2 डिजिट्स हमारी आ गई, सो वंस जो प्लेस पर 1 है 11 में उसको हम नीचे लिखेंगे एंड 10th प्लेस पर जो 1 है उसको हम 10th प्लेस पर कैरी कर देंगे, ओके। नाउ सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, सो 1 + 5 + 5 इज 11, अगेन 11 आया है, सो 1 हम नीचे लिखेंगे एंड 100 प्लेस पर 1 कैरी करेंगे। नाउ 100 प्लेस को प्लस करेंगे, सो 1 + 2 + 2 इज 5, ओके। नाउ यहाँ पे हमें कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज हमारा 1 डिजिट आया है, सो 5 वो हमने 100 प्लेस पर पुट कर दिया। नाउ 1000 प्लेस को आप प्लस करेंगे, 6 + 7 इज 13। सो 13 में 2 डिजिट्स हैं, सो 3 हम नीचे लिखेंगे एंड 1 जो है वो 10,000 प्लेस पर कैरी करेंगे। नाउ 10,000 प्लेस को प्लस करेंगे, 1 + 4 + 3 इज 8, सो आवर आंसर इज 83,511, ओके। नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.B ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा हमें 2 नंबर्स गिवन है, इनका हमें प्लस करना है। सो प्लस करेंगे आप अपनी रफ कॉपी में, इन्हें अरेंज करेंगे फर्स्टली कॉलम के अकॉर्डिंग एंड देन प्लस करके आंसर फाइंड करेंगे। सो आंसर इज 91,809, ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है, सो फर्स्टली इनको हम अरेंज करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग एंड देन इनका प्लस करेंगे, सो सम आ जाएगा इनका बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 885,684, ओके। नाउ स्टार्ट बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन ऐड द फॉलोइंग, ए पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो इनको हमने अरेंज कर रखा है पहले ही, सिंपली आपको इन्हें प्लस करना है, ओके। सो वन प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 4 + 9 इज 13, सो 13 में 2 डिजिट्स हैं, ओके। सो 1 प्लेस पर जो 3 है उसको हम नीचे लिखेंगे एंड 1 जो है वो 10th प्लेस पर कैरी करेंगे। नाउ 10th प्लेस पर अब हमारे नंबर्स हो गए 1 + 8 + 7, ओके। सो 1 + 8 + 7 इज 16, सो 16 में 6 हम नीचे लिखेंगे एंड 100 प्लेस पर कैरी करेंगे।
नाउ 1 + 3 + 5 = 9, ओके 9 में 1 डिजिट है, सेम वही डिजिट हम 100 प्लेस पर लिख देंगे, देन 1000 प्लेस को प्लस करेंगे 2 + 3 = 5 एंड 10000 प्लेस को प्लस करेंगे 6 + 2 = 8, ओके सो आवर आंसर इज 85963। नाउ सी डी पार्ट, यहाँ पर भी आपको डिजिट्स हमें अकॉर्डिंग टू कॉलम्स गिवन है, सो सिंपली आपको प्लस करना है, ओके सो फर्स्टली वंस प्लेस को प्लस करेंगे 9 + 4 + 7 = 20, सो 20 में 2 डिजिट्स हैं, सो वंस प्लेस पर जो 0 है उसको हम नीचे लिखेंगे वंस प्लेस पर एंड 2 हम कैरी करेंगे टेंथ प्लेस पर। नाउ 2 + 8 + 7 + 4 = 21, सो 21 में भी 2 डिजिट हैं, सो 1 हम नीचे लिखेंगे एंड 2 100 प्लेस पर कैरी करेंगे। नाउ प्लस करेंगे 100 प्लेस को, सो 2 + 9 = 11, नाउ 11 में भी 2 डिजिट हैं, सो 1 हम नीचे लिखेंगे एंड 1000 प्लेस पर कैरी करेंगे। सो 1 + 1 + 5 + 2 = 9 एंड देन 10000 को प्लस करेंगे 5 + 2 + 3 = 10, सो आवर आंसर इज 109110। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, सी इन योर बुक अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम। सो इन दिस क्वेश्चन बेटा आपको फर्स्टली अरेंज करना होगा अपने आप इन क्वेश्चंस को, ओके एंड देन प्लस करना होगा। सो ए पार्ट आप देखेंगे 72318 एंड 27250 को आपको प्लस करना है, सो फर्स्टली अरेंज करेंगे इन्हें, आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है यहाँ पर ए एंड बी पार्ट करके दिखाया हुआ है, ओके नाउ ए पार्ट में देखेंगे अरेंज करने के बाद इनको प्लस करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे 8 + 0 = 8, 1 + 5 = 6, 3 + 2 = 5, 2 + 7 = 9, 7 + 2 = 9, सो आवर आंसर इज 99568। नाउ सिमिलरली बी पार्ट करेंगे, फर्स्टली अरेंज करेंगे इनको देन प्लस करेंगे, सो वंस प्लेस पर हमारा आ जाएगा 15, सो 15 टू डिजिट नंबर है, सो 5 हम नीचे लिखेंगे एंड 1 टेंथ प्लेस पर कैरी करेंगे। नाउ प्लस करेंगे, सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे एंड आवर आंसर इज 687915, ओके। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी इन योर बुक फिल द मिसिंग डिजिट। सो यहाँ पर आपको बुक में दिखाई दे रहा है बेटा, ए पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो है वो आपको बॉक्सेस खाली दिए हुए हैं, आपको ये फिल करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए पार्ट आप देखेंगे 0, फिर हमें बॉक्स दिया हुआ है वंस प्लेस पर देखेंगे ना आप 0 बॉक्स एंड देन 5 उनका सम आएगा। सो 0 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमारा 5 आंसर आ जाए, सो 5, ओके सो खाली बॉक्स में हम क्या लिख देंगे 5, ओके। नाउ टेंथ प्लेस पर आएंगे हम, हमें बॉक्स गिवन है एंड 7 एंड देन 3, सो 7 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 3 आ जाए वंस प्लेस पर, सो 7 + 6 = 13, ओके 13 का हम 3 नीचे लिखते हैं एंड 1 कैरी करेंगे, ओके सो यहाँ पर बॉक्स में हम क्या पुट करेंगे 6। नाउ 100 प्लेस पर आएंगे बेटा, 1 + 5 + 2, जो 1 हमने कैरी किया था उसको भी हमें प्लस करना है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, ओके सो ब्लैंक बॉक्स में हम 8 पुट करेंगे। नाउ 1000 प्लेस पर आ जाएं बेटा, सो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के नीचे 4 है एंड 4 के नीचे 2 है, सो 4 में हम क्या प्लस करें कि हमारा वंस प्लेस पर 2 आ जाए, सो 8 और 4 12 होता है, सो ब्लैंक्स पर हम क्या पुट करेंगे 8, ओके नाउ अगेन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा 10000, वहाँ पर हमें 1 कैरी करना होगा बिकॉज 12 था हमारा आंसर, ओके नाउ 1000 प्लेस को हम प्लस करेंगे, सो 1 + 7 + 1 = 9, सो यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में हम 9 पुट करेंगे, ओके सेम यू हैव टू सॉल्व बी एंड सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ योर एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ हेयर यू कैन सी द स्क्रीन, वंस प्लेस पर हमारे 6 एंड 0 है, सो 6 + 0 हम करेंगे 6, 0 + 8 हमारा 10th प्लेस पर प्लस करेंगे, सो 8, 100 प्लेस पर 4, 5, सो 4 + 5 = 9, 1000 प्लेस पर 8 + 0 सो 8, 10000 प्लेस पर 2 + 1 = 3, सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 38986, ओके। आपको करना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम। सो ए पार्ट आप देखेंगे अपनी बुक में, देखें 23123 इज फर्स्ट नंबर, 11001 इज सेकंड नंबर एंड 21302 इज थर्ड नंबर, सो फर्स्टली वी अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम्स, ओके
उसके लिए हम वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड एंड सो ऑन. ओके, सो फर्स्टली हमने अरेंज कर लिया इन्हें कॉलम के अकॉर्डिंग, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे प्लस करना. सो फर्स्टली हम वन से स्टार्ट करेंगे. थ्री प्लस वन प्लस टू इज सिक्स, टू प्लस जीरो इज टू, वन प्लस जीरो प्लस थ्री इज फोर, थ्री प्लस वन इज फाइव, टू प्लस टू इज फाइव. ओके, सो आवर आंसर इज 5 5 4 2 6. नाउ सी बी पार्ट. बी पार्ट को भी हमें सेम अरेंज करना होगा, फर्स्टली कॉलम के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर हमने वन से 10,000 तक प्लेस लिख लिए फर्स्ट नंबर के, एंड देन सेकंड नंबर लिखा है. नाउ सी थर्ड नंबर 1032. सो यहाँ पर हमें फोर डिजिट नंबर है, सो इसको आपको ध्यान से लिखना है बेटा. फर्स्टली वन प्लेस पर आप टू पुट करेंगे, टेंथ पर थ्री, हंड्रेड पे जीरो, 10,000 पे वन, सॉरी 1,000 पे वन. सो 10,000 हमें ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज हमें नंबर गिवन नहीं है 10,000. ओके, सो इसको अरेंज करने के बाद अब हम सम करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. सो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4 5 4 3 4. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू सी द स्क्रीन आंसर की सी डी ई एफ. ओके, आपको आंसर की दी गई है अदर पार्ट्स की. सो फर्स्टली यू डू इन योर नोटबुक एंड देन चेक योर आंसर विद आंसर की. ओके, नाउ योर एक्सरसाइज इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो. ओके, नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.B. ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, हमें टू नंबर गिवन है, इनका हमें प्लस करना है. सो प्लस करेंगे आप अपनी रफ कॉपी में, इन्हें अरेंज करेंगे फर्स्टली कॉलम के अकॉर्डिंग, एंड देन प्लस करके आंसर फाइंड करेंगे. सो आंसर इज 91,809. ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर हमें थ्री नंबर गिवन है. सो फर्स्टली इनको हम अरेंज करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग, एंड देन इनका प्लस करेंगे. सो सम आ जाएगा इनका बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 885,684. ओके, नाउ स्टार्ट बी पार्ट. सॉल्व द, सो वन प्लेस से स्टार्ट करेंगे. 4 + 9 इज 13. सो 13 में टू डिजिट्स हैं. ओके, सो वन प्लेस पर जो थ्री है उसको हम नीचे लिखेंगे, एंड वन जो है वो टेंथ प्लेस पर कैरी करेंगे. नाउ टेंथ प्लेस पर अब हमारे नंबर्स हो गए 1 + 8 + 7. ओके, सो 1 + 8 + 7 इज 16. सो 16 में 6 हम नीचे लिखेंगे, एंड 100 प्लेस पर कैरी करेंगे. नाउ 1 + 3 + 5 इज 9. ओके, 9 में वन डिजिट है, सेम वही डिजिट हम 100 प्लेस पर लिख देंगे. देन
थाउजेंड प्लेस को प्लस करेंगे 2 + 3 इज 5 एंड 10,000 प्लेस को प्लस करेंगे 6 + 2 इज 8. ओके सो आवर आंसर इज 85963. नाउ सी डी पार्ट. यहाँ पर भी आपको डिजिट्स हमें अकॉर्डिंग टू कॉलम्स गिवन है, सो सिंपली आपको प्लस करना है. ओके सो फर्स्टली वंस प्लेस को प्लस करेंगे 9 + 4 + 7 इज 20. सो 20 में 2 डिजिट्स हैं, सो वंस प्लेस पर जो 0 है उसको हम नीचे लिखेंगे वंस प्लेस पर एंड 2 हम कैरी करेंगे टेंथ प्लेस पर. नाउ 2 + 8 + 7 + 4 इज 21. सो 21 में भी 2 डिजिट हैं, सो 1 हम नीचे लिखेंगे एंड 2 100 प्लेस पर कैरी करेंगे. नाउ प्लस करेंगे 100 प्लेस को, सो 2 + 9 इज 11. नाउ हेयर यू कैन सी द स्क्रीन. वंस प्लेस पर हमारे 6 एंड 0 है, सो 6 + 0 हम करेंगे 6. 0 + 8 हमारा 10th प्लेस पर है, प्लस करेंगे सो 8. 100 प्लेस पर 4 5, सो 4 + 5 इज 9. 1000 प्लेस पर 8 + 0 सो 8. 10,000 प्लेस पर 2 + 1 इज 3. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 38986. ओके नाउ सी ई पार्ट. ई पार्ट में आपको लैग तक दे रखे हैं, लैग डिजिट तक. ओके सो सेम हमें फर्स्टली वन प्लेस से स्टार्ट करना है, सो 9 + 0 इज 9. 10th प्लेस इज 5 + 2 इज 7. 100 प्लेस 6 + 3 इज 9. 1000 प्लेस 10 + 1 इज 8. 10,000 प्लेस 4 + 5 इज 9. लैग प्लेस 3 + 6 इज 9. ओके सो आवर आंसर इज 998979. ओके नाउ यहाँ पर बेटा आपको इसी क्वेश्चन की आंसर की दी हुई है बी सी डी एंड एफ पार्ट की. यू हैव टू सॉल्व दीज पार्ट्स एंड चेक योर आंसर विद आंसर की. नाउ स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में बेटा नाउ स्टार्ट क्वेश्चन फोर. सीन योर बुक इन नोएडा स्कूल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अपीयर्ड इन मैथ ओलंपियाड इन ईयर 2014 वर 25,186 एंड इन ईयर 2015 वर 27,619. हाउ मैनी चिल्ड्रन अपीयर इन बोथ द ईयर टूगेदर. सो फर्स्टली वी राइट अपीयर्ड फॉर मैथ ओलंपियाड इन ईयर 2014 इक्वल टू 25,186. And next, appear for math Olympiad in year 2015 equal to 27,619. Now plus करेंगे हम, हमें find करना है कि both years में कितने students ने participate appear हुए हैं, कितने student. Okay. So plus करके हमारा answer क्या आ गया बेटा, 52,805 students. Okay. Now see question number 5. See in your book the Excel word had 132,767 visitors in 2014. In 2015, it had 1,747 more visitors than 2014. How many people in all visited Excel World in these 2 years? So in this question, the Excel World had visitor in 2014 equal to 132,767 visitors. Okay. नाउ कितने ज़्यादा हैं 2015 में 14 से, सो 1747. नाउ प्लस कर देंगे सो हमें फाइंड हो जाएगा कि 2015 के विजिटर्स कितने हैं.
सो प्लस करके हमारा आंसर आ गया बेटा 1,34,514। ओके नाउ हमें फाइंड करना है कि बोथ ईयर्स में कितने विजिटर्स वहां पर गए हैं। ओके सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली विजिटर इन 2014 इज गिवन 1,32,767 एंड विजिटर इज इन 2015 हमने फाइंड किया है 1,34,514। नाउ बोथ ईयर का हमें फाइंड करना है सो प्लस कर देंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2,67,281। ओके नाउ सी सिक्स क्वेश्चन इन योर बुक, एन इंडियन एयरलाइन एरोप्लेन फ्लू 76,523 किलोमीटर इन द फर्स्ट वीक, 67,717 किलोमीटर इन द सेकेंड वीक एंड 7,739 किलोमीटर इन द थर्ड वीक। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन दीज थ्री वीक्स, सो इन थ्री वीक्स में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया आपको फाइंड करना है। सो सेम हम फर्स्टली लिखेंगे इंडियन एयरलाइन एरोप्लेन फ्लू इन द फर्स्ट वीक इक्वल टू 76,523 किलोमीटर एंड सेकेंड वीक इक्वल टू 67,717 किलोमीटर एंड लास्ट थर्ड वीक इक्वल टू 7,739 किलोमीटर। नाउ प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारा आंसर क्या आया, 1,51,979 किलोमीटर कवर्ड किया है उन्होंने डिस्टेंस इन थ्री वीक्स में। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी इन योर बुक अ फार्मर ब्रोट अ पंप सेट, ही पेड रुपीज 58,960 फ्रॉम हिज सेविंग, ही बोरोड रुपीज 49,750 फ्रॉम द बैंक टू पे फॉर द पंप सेट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पंप सेट। सो इन दिस क्वेश्चन अ फार्मर पेड फ्रॉम हिज सेविंग इक्वल टू रुपीज 58,960 एंड ही बोरोड फ्रॉम बैंक इक्वल टू रुपीज 49,750। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ द पंप सेट सो प्लस कर देंगे इसमें हमें। ओके सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा रुपीज 1,08,710। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर 395436 इज गिवन, इंटरचेंज द डिजिट एट लैक्स प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस, फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर। सो गिवन नंबर हमें क्या है 395436, सो आफ्टर इंटरचेंज न्यू नंबर, इंटरचेंज करने के लिए क्या कहा गया है बेटा कि जो लैक प्लेस है उसको थाउजेंड प्लेस से इंटरचेंज करना है। सो लैक प्लेस इज 3 एंड थाउजेंड प्लेस इज 5, सो 5 एंड 3 को हम इंटरचेंज कर देंगे सो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा बेटा 5,93,436। ओके नाउ हमें सम फाइंड करना है बोथ नंबर्स का, सो न्यू गिवन नंबर इज 3,95,436, देन प्लस करना है हमें जो हमारा न्यू नंबर आया है इंटरचेंज करने के बाद 5,93,436। सो इनको हम प्लस करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 9,88,872। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, In your book, Mr. Mehta spent rupees 10,999 on airfare, rupees 27,350 on hotel accommodation, and rupees 9,859 on taxi fare when he visit Chennai. How much money did he spend altogether? So firstly, we write Mr. Mehta spent on airfare equal to airfare में उन्होंने कितने spend किए हैं? So rupees 10,999 and hotel एकोमेंडेशन में कितने स्पेंड किए हैं रुपीज 27,350 एंड टैक्सी फेयर में कितने स्पेंड किए हैं रुपीज 9,859। सो इनको प्लस कर देंगे सो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा कि उन्होंने टोटल कितना पैसा इस ट्रिप में स्पेंड किया है। ओके सो आंसर हमारा क्या आ गया इनको प्लस करके 48,208। ओके नाउ चिल्ड्रन योर एक्सरसाइज इज ओवर, your homework is that you have to write exercise 3A, B, C and D in your notebook. Thank you students.